hey guys this video is brought to you by the brilliant one football app there is so much happening around the world of football right now and it is so difficult to keep a track of everything well one football makes that very easy for you one football is my personal go-to app whenever i need to look up something about chelsea about premier league la liga bundesliga syria league everything is available out there every transfer rumor Information about every player, whatever you need is available on the One Football app. Please head into the link given in the description below and download the One Football app now. Hey guys, welcome back. और uh, round of 16 की जो 16 टीमें हैं, हमको पता चल चुके हैं कौन वो टीमें होंगी जो खेलेंगी round of 16 आगे world cup के बाद February, March जब भी होगा round of 16 और draw जो है उसका 7 तारीख को है, तो उस दिन पता अब चल भी जाएगा हमको कौन किसको खेलेगा? लेकिन कल इंटरेस्टिंग चीज ये हुई दो इंटरेस्टिंग चीज हुई है एक तो पीएसजी सेकंड आ गई है अपने ग्रुप में छह गोल मार है बेनफिका ने मकाबी हाइफा को तो अवे गोल्स के रूल पे पीएसजी जो है वो सेकंड आ गई है एक बार हम पॉइंट टेबल पे नजर डाल लेते हैं क्योंकि काफी इंटरेस्टिंग था ऐसा लग रहा था कि पीएसजी आर नेल्ड ऑन टू फिनिश टॉप ऑफ द ग्रुप लेकिन कुछ इंटरेस्टिंग सरकमस्टेंसेज की वजह से पी जो है वो सेकंड आ गई है तो जैसा आप देख सकते हैं एक बार मैं आपको बता देता हूँ शायद हो सकता है कुछ लोगों को नहीं पता हो तो मैं आपको एक बार कॉन्टेक्ट दे देता हूं तो ये था पीएसजी का ग्रुप अब आप देखिए इसमें सब कुछ बराबर है बट क्योंकि बेनफिका ने इस कैंपेन में अवे गोल्स ज्यादा स्कोर करे हैं उस वर्च्यू से उन्होंने अपना ग्रुप टॉप कर लिया है पीएसजी सेकंड आ गई है ज अ कॉज ऑफ कंसर्न फॉर मी एज अ चेल्स फैन की अगर पी एच जी ड्रॉ हो गई तो क्या करेगी चेल्सी बट उसकी बात हम बाद में करेंगे और दूसरी जो इंटरेस्टिंग चीज मैं कह रहा हूं वो ये है कि कल डेनिस जकारिया को स्टार्ट दिया गया ग्रैम पॉटर ने डेनिस जकारिया को स्टार्ट कराया और उन्होंने अपने डेब्यू पे गोल भी स्कोर किया आई थिंक ही हैड अ गेम एक जो डिसरप्टर एक फिजिकल प्रेजेंस की जरूरत थी जो डूल जीतने वाले बंदे की जरूरत थी मिडफील्ड में वो हमको मिला आई थिंक एक चीज जो मुझे समझ नहीं आई कि एक डेड रबड़ में जो एक इनकॉन्सिक्वेंशल मैच था उसमें आपने इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग टीम क्यों खिला दी आई थिंक पॉटर कुछ ट्राई करना चाह रहे हैं आर्सनल के अगेंस्ट मैच है बट अगेन जैसा हमने देखा उस मैच में हो रहा है बार बार चैंपियंस लीग में पहले रीस जेम्स को इंजरी हुई फुफाना को इंजरी हुई कुलेबाली गॉट इंजर्ड कल ऑल द कुलेबाली वापस आ गए लेकिन फिर हमने देखा कल बेन चिलवेल को इंजरी हो गई और जकारिया को भी जाना पड़ा था इंजरी की वजह से तो लग तो हमारा बहुत ज्यादा खराब है इंजरीज को लेकर और बैन चिलवेल वॉज प्लेइंग एब्सोल्यूटली ब्रिलियंटली सेकेंड हाफ में तो स्पेशली और बहुत खराब लगा उनको जाता हुआ देख के सेकेंड हाफ में वो इंजरी की वजह से बट क्या कर सकते हैं इट इज वॉट इट इज और वही एक कंसर्न था मुझे कि क्यों हम ट्राय कर रहे हैं ऐसे प्लेयर्स को खिलाने के लिए इस मैच में और अगेन इंजरी हो गई और आर्सनल के अगेंस्ट मैच है बहुत पॉजिटिव थे कल के मैच में चांसेस बहुत क्रिएट करे हमने गोल बहुत एक स्लोपी तरीके से कंसीड किया लेकिन उसके बाद वी वर ऑल ओवर डीना मोजागरे तो वो सारी चीजें अच्छी हैं बहुत फ्लुएंसी दिख रही थी जकारिया वाज बीइंग फिजिकल इन द मिडफील्ड फील्ड वाज ट्राइंग टू तो बी मोर एडवेंचरस मोर क्रिएटिव विद पासिस वर्टिकल पासिस ज्यादा वो डालने की कोशिश कर रहे थे ये सारी चीजें तो अच्छी है लेकिन मैं इसको बहुत ज्यादा कुछ ऐसे नहीं बोलूंगा कि हाँ बहुत ही हमने कुछ अच्छा कर दिया और आर्सनल के अगेंस्ट हम इसी तरीके की परफॉर्मेंस जो है एक्सपेक्ट कर सकते हैं आई थिंक आर्सनल आर अ डिफरेंट बीस्ट आर्सनल को और डीनमो जग्रेब को एक तराजू में तोलना बिल्कुल भी फेयर नहीं होगा प्रीमियर लीग टॉपर्स हैं, बहुत अच्छी फुटबॉल खेल रहे हैं बेहतरीन फॉर्म में हैं और यही मैं चेल्सी की बात करूं तो फॉर्म प्रीमियर लीग में कुछ अच्छा रहा नहीं है पिछले तीन गेम में दो ड्रॉज और एक डिफीट है और एक पिछली डिफीट तो ब्राइटन के अगेंस्ट बहुत ही ज्यादा हैवी थी तो आर्सनल वाला मैच बहुत ज्यादा मुश्किल होगा उसकी हम बात करेंगे बाबा एंड ड्रोस प्रीम करेंगे कल तो उसमें डिटेल में हम बात करेंगे कि क्या लगता है क्या हो सकता है उस मैच में काफी एक्साइटिंग मैच होगा वो लेकिन आई थिंक चेल्सी के लिए डिफिकल्ट मैच होगा आई एम फेयरिंग द वर्स्ट जैसा मैंने कहा चेल्सी आर नॉट इन द बेस्ट ऑफ शेप्स राइट नाउ एक जो मैं बस उम्मीद करता हूं कि हम वर्ल्ड कप स्टार्ट होने से पहले अब दो मैच बचते हैं आर्सनल और न्यूकासल तो वो हम मैचेस में इतना ज्यादा पीछे ना हो जाए टॉप फोर की रेस से कि फिर रिकवर करना ही मुश्किल हो जाए क्योंकि वर्ल्ड कप ब्रेक बहुत सही टाइम पर आ रहा है चेल्सी के लिए होपफुली जो प्लेयर्स इंजरी से बाहर हैं वर्ल्ड कप के बाद तक फिट होकर वापस आ जाए तो हमारी टीम को एक मच नीडेड बूस्ट मिलेगा जो हमारी टीम इस समय बहुत डेस्परेटली लैक कर रही है तो एक बार सोलह टीमों पर नजर डाल लेते हैं चैंपियंस लीग की जो क्वालिफाई करी है तो आपके सामने जैसा आप देख सकते हैं स्क्रीन पे सोलह टीमें जो चैंपियंस लीग क्वालिफाई करी हैं तो ग्रुप टॉपर्स हैं आपके म्यूनिक बेनफिका चेल्सी मैन सिटी नापोली पोर्टो रियाल मड्रिड टॉटनम हॉट्स ये आपके ग्रुप टॉपर्स हैं और जो सेकंड आई अपने अपने ग्रुप्स में टीम वो है एसी मिलान डॉटमंड क्लब्रूश फ्रैंकफर्ट इंटर मिलान लिवरपूल पीएसजी और आरबी लाइफ अब ये एक ड्रॉ सिम्युलेटर है एक फंड सा ड्रॉ सिमुलेटर मैंने देखा है सिंपल सा है रैंडमाइज कर देगा ये बिल्कुल किस कुछ भी टीम किसी को भी इसमें ड्रॉ कर सकती है एज पर द क्राइटेरिया तो ये एक बार अपन ड्रॉ करके देखेंगे सिमुलेट की इस ड्रॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है आप भी इसको ट्राई कीजिएगा मैं इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा तो हेयर वी गो यहां पर ड्रॉ हो रहा है तो पहली टीम आई है ब्रूश नेपोली मैन सिटी पोर्टो एसी मिलान बेनफी का चेलसी और लिवरपूल तो ब्रूज को मिली टॉटनम नापोली को पीएसजी सिटी को लाइव इंटर एसी मिलान रियल रियाल मेडिका लिवरपूल डॉटम लिवरपूलिक बाप रे बाप लिवरपूल बायिक नापोली पीएसजी चेल्सी चेलसी एसी मिलान रियल मेड भाई ये सारे ही मैचेस जो हैं बहुत शानदार होंगे अगर ये ड्रॉ होता है बट दिस इज द ड्रॉ दट आई एम गेटिंग आपके हिसाब से क्या होगा आप भी ट्राई कर सकते हैं और आई थिंक ये रेंडमाइज ही है इसमें ज्यादा कुछ आई थिंक वो है नहीं इतनी ज्यादा साइंस वो तो मतलब जो रेंडमली ऑर्डर निकलता है उस हिसाब से ही है बट मान लीजिए अगर यही ड्रॉ निकल गया तो कितना मतलब एपिक हो जाएगा जो हमने प्रेडिक्ट किया हमने तो क्या प्रेडिक्ट किया जो ड्रॉ ने रेंडेमाइज किए हैं टीम्स को शानदार शानदार आप भी ट्राई कीजिए और आप अपने कॉमेंट सेक्शन में बताएं आपके ड्रॉ में क्या क्या फिक्सर्स निकले हैं तो मजा आएगा बट आई थिंक चेल्सी के लिए एक बहुत ज्यादा जरूरी थी ये चीज कि राउंड ऑफ सिक्सटीन में जो अपनी जगह कंफर्टेबली बना ले वो उन्होंने कर लिया है तो दैट इज वन बॉक्स चेक्ड और उस लिहाज से हमको चिंता करने की जरूरत नहीं है अगर आप ग्रुप में भी परफॉर्मेंस देखें तो एट द एंड ऑफ इट पहला मैच हारने और दूसरा मैच ड्रॉ कराने के बाद लगातार आप चार मैचेस जीते हैं उस सेंस में तो कॉन्फिडेंस आता है बट ये कितना ट्रांसलेट होगा प्रीमियर लीग फॉर्म में वो देखा जाना बाकी है क्योंकि जैसा मैंने कहा Arsenal के अगेंस्ट जो वीकेंड पे गेम है है बहुत ही ज़्यादा क्योंकि ऑलरेडी आप अपने टॉप फोर से काफी पीछे हो चुके हैं यूनाइटेड यहाँ पर मैच जीते जा रही है आप यूनाइटेड को हरा नहीं पाए हैं आपने ब्रेंडफर्ड के अगेंस्ट पॉइंट लूज किए हैं आपने ब्राइटन से एक हार का सामना किया है तो ये सारी चीजें जो है अब आपको अब रेक्टिफाई करनी पड़ेगी न्यूकासल और आर्सनल दोनों ही आपसे इस समय ऊपर है पॉइंट्स टेबल तो क्या आप अफोर्ड कर सकते हैं अभी इन दोनों टीमों से करना? जी मुझे नहीं लगता है कैरेक्टर वाली परफॉर्मेंस देने की, की दरकार है कल जो मैं एक चीज से थिंक ब्रोहा को स्टार्ट करना चाहिए था ओबामिया को स्टार्ट कराया लेकिन आई थिंक पॉटर कुछ ट्राई करना चाह रहे हैं दो वाइड सेंटर फॉरवर्ड्स के साथ विद प्लेंग्री रोमिंग गए बीच में और बैक फोर मुझे फ्लुएंट ज्यादा लग रही है चेल्सी की बैक थ्री के वनस्पत बिकॉज बैक थ्री में हमको क्रिएटिविटी प्रोवाइड कराने के लिए और डिफेंसिव अश्योरेंस प्रोवाइड कराने के लिए रीस जेम्स का होना बहुत ज्यादा जरूरी है जो कि अभी है नहीं तो उस लिहाज से आई थिंक बैक फोर अच्छे से वर्क कर रही है प्रोवाइडेड कुले वाली स्टेज फिट चालों को भी अभी चांस मिला है उन्होंने अच्छा ही परफॉर्म किया है तो देखते हैं क्या होता है बाकी आप मुझे बताएं थॉट्स अपने कॉमेंट सेक्शन में आपको क्या लगता है क्या होगा राउंड ऑफ सिक्सटीन में अपने ड्रॉ जरूर बता, बता दीजिएगा सिम्युलेट करके क्या लगता है आपको किस तरीके से कौन सी टीम जो है किसको फेस करेंगी फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जब तक अपना ध्यान रखें टेक केयर एंड कल होगा बाबा एंड प्रेडिट जिसमें हम ऑब्वियसली जो दो बड़े फिक्सचर है आर्सनल चेलसी एंड ऑफकोर्स लिवरपूल और टॉटनम uh, हॉट्स उनकी बातें भी डिटेल में करेंगे चलिए फिर मिलते हैं टिल देन टेक केयर बाय बाय एंड पीस